मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस हैं डॉक्टर्स के वो खत्म नहीं होते होंगे, क्योंकि रोज एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है और पढ़ाई तो बिल्कुल खत्म नहीं होती। तो हाउ टू मतलब अपडेट कैसे रहते हैं डॉक्टर्स कि हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी आती है, हर रोज एक नया तरीका, मतलब हर रोज इन द सेंस की वेरी फ्रिक्वेंटली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती हैं, जितने भी पुराने तरीके हैं वो चेंज होते हैं, तो उसमें कैसे मतलब कोप अप करते हैं, रेगुलर स्टडीज रहती ही रहती हैं। हाँ, ये तो मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो जो अभी तक नहीं गए उनके पास अभी भी ऑप्शन है कि वो कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी टू, मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में, ये बहुत जरूरी है। आपने MBBS कर लिया, आपने PG कर लिया, आप अच्छे से मतलब यू आर सेटल्ड, बट स्टिल यू नीड टू लाइक स्टडी। आपको पढ़ना पड़ेगा अपने काम के लिए। ठीक है, एज यू से कि हर रोज ही कुछ ना कुछ नया हो रहा है इस फील्ड में, तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। स्पेशली जो सर्जिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो मेडिकल पार्ट से ही है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइबिंग वो पे हैं, तो उनके लिए है कि वो पढ़ लेंगे और काम चल जाएगा। मतलब यू नीड टू स्टडी एंड विल बी एक्वेंटेड विद थिंग्स, देयर आर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो आपको अपडेटेड रखते हैं। ठीक है, बट जो सर्जिकल फील्ड है उसमें, या फिर जो इंटरवेंशन जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे रेगुलरली आपको अपने स्किल को अपडेट करना पड़ता है, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप एक ट्रेडिशनल तरीके से सर्जरी कर रहे हो, आपका मतलब दैट रिक्वायर्स अ टाइम टू बी वो प्रैक्टिस में, और उसके साथ बहुत इजी होने में टाइम लगता है। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और जो भी नया आएगा तो आपको उसको मतलब बहुत थॉरली यू नीड टू लर्न। सो इट इज डिफिकल्ट बट इट इज एक्साइटिंग एज वेल। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, स्पाइन के सर्जन होते हैं, यहाँ पे आर्थ्रोस्कोपिकली उनको सर्जरी करना होता है, या फिर मतलब कोई भी जहाँ भी साइन वर्क इन्वॉल्व होता है, लाइक एज यू यू कैन कोरिलेट, एक ट्रेडिशनल तरीके से भी सर्जरी होती है, अब्डोमिनल सर्जरीज, और एक लैप्रोस्कोपिकली भी होती है। तो जो लैप्रोस्कोपिकली होती है दैट रिक्वायर्स लाइक फाइन ट्यूनिंग ऑफ योर हैंड्स, द ट्रेडिशनल वन ऑल्सो, बट यहाँ पे विद ग्रोइंग एज, इसीलिए कहते हैं कि सर्जन की एक लिमिटेड वो भी होती है, विद एज आपकी जो फाइन थिंग्स करने की कैपेसिटी होती है वो भी थोड़ी हैम्पर होती है। तो आपको थोड़ा सा मतलब दैट इज अ चैलेंजिंग थिंग, बट यू नीड टू लर्न इट एंड यू नीड टू एंजॉय इट। basically you have to be very passionate about this profession. या I mean या बिफोर वो ऑप्टिंग ये फॉर बोल का एमबीबीएस नहीं कि बी एक वेरी बार पढ़ पैशनेट, लिया तो बेटा अब छुट्टी है इसके नहीं, नॉट बाद। ओनली पढ़ाई, पढ़ाई नहीं, और आज के टाइम में ऐसे है कि चीजें थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगी, बट देर आर न्यू थिंग्स, जो हर रोज ही कुछ नया हो रहा है, एवरी डे समथिंग न्यू इज कमिंग अराउंड, सो यू नीड टू बी अपडेटेड टू सॉल्व योर पेशेंट्स वेल। Since you're a doctor and we are in this COVID time, so I want to know COVID के time पे आपके लिए क्या-क्या challenges रहे थे as a doctor? Please बहुत share ही your ज्यादा experience. चैलेंजिंग था, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। आई वॉज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ कोविड एज अ सीनियर रेजिडेंट। सो एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, मतलब हु इज डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सीनियर रेजिडेंट्स, दे आर द मेजर बल्क ऑफ लाइक मैन फोर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, लाइक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट मेंटली एज वेल एज फिजिकली टू हैव गाउन एंड मास्क एंड एवरीथिंग ऑन, एंड यू आर वर्किंग विद अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, नॉन कोविड पॉजिटिव पेशेंट, एंड या मीन्स इट वॉज मतलब वॉट यू सी ऑन द टेलीविजन, वी आर फेसिंग इट एवरी डे, लाइक एवरी डे। We should salute you for your courage, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जब लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस या बट बनाना वन शुरू कर थिंग इज दिया। दैट कि मतलब वी वेर स्केयर्ड एज वेल, बट ऐसा नहीं लगा कि हाँ हमें ये काम नहीं करना चाहिए, वी वेर ऑलवेज लाइक वी हैव टू डू इट, हमें करना है, बट वी वेर स्केयर्ड फॉर अस एंड मोर देन आवर सेल्फ, वी वेर स्केयर्ड
cared for our families.